क्या काम करते हैं? और ये मूर्ति का काम करता हूँ, और जिला मेरा बारमेर लगता है, गांव मेरा कोटड़ी है, तहसील समदड़ी है, बारमेर से आता हूँ मैं, तो 6-7 महीने पहले आता हूँ, तो पांव से भी विकलांग हूँ, फिर भी क्या कि बचपन का यही काम है, मेरे माँ बापों ने भी यही सिखाया, वो भी यही काम करते रहते। तो आप इस बार मैंने नई मूर्तियाँ बनाई है यहाँ पर, तो आप आइए और मेरा भी कुछ हो जाएगा। तो मतलब की आप मूर्ति बना रहे हैं? इस टाइम चाक मिट्टी और मिट्टी की दोनों मिक्स करके बनाई जा रही है, और गणेश चतुर्थी को देखते हुए हाँ गणों की मूर्तियाँ बनी जा रही है, और आप आइए और ले जाइए। क्या उम्मीद लग रही है इस बार? उम्मीद तो ये लग रही है कि आप जो भी है सब आइए और ले जाइए, और मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छी अच्छी बनाई है, और इस जगह का नाम अभी नई चौपाटी है। आपके क्या पैर भी लगी हुई, पैर में भी लगी? हाँ, मैं दोनों पाँव से विकलांग भी हूँ, अभी नई चौपाटी बनी है, उसके सामने मेरी दुकान है, और कितने जने आपके फैमिली में? 4 बच्चे हैं, 2 हमें। कैसे चलता होगा आपको कुछ? अब रोजगार यही चलता है कि छोटी मोटी कोई मूर्तियाँ बनती रहती है तो उससे हो जाता है, और फिर कोई सालों साल तो चलता नहीं है, त्योहारों पर ये काम चलता है, उसके बाद तो फिर परेशानी है हमारे को, क्या करें। गाँव भी छोटा सा है, जहाँ 2 किलोमीटर पे पानी मिलता है कुएं से निकाल कर, इसलिए फिर इधर आना पड़ता है। तो ये उम्मीद है आपको कि इस बार गणेश चतुर्थी को? हाँ, इस बार हमारे को उम्मीद है कि गणपति बाबा मतलब बहुत ज़्यादा वो है, और बिकनी चाहिए मूर्तियाँ, क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन में भी पब्लिकों को मूर्तियाँ मिल नहीं पाई, और इस बार लॉकडाउन है नहीं, तो हर घर हर भैया हर माता जी ले जाइए और अपने अपने पूजा करिए, क्योंकि साल से एक बार त्यौहार आता है, ये दुख सुख से बचाए रखेगा और अपन सबको अच्छा रखेगा, और आप लेके जाइए। आपका नाम? हाँ, नाम क्या? नाम मेरा भीमा मूर्ति वाला है, दोनों पाँव से विकलांग हूँ, और ये नई चौपाटी बनी है, इसके सामने मैं रहता हूँ, और जो और मेरी झोंपड़ी भी है, कचरा डिपो जो अभी बनाया गया नया, उसके बाहर में मेन रोड पर ही है।